हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम जानने वाले हैं प्रो वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन क्या है, आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। आप देख सकते हैं अबाउट दिस ऐप में लिखा हुआ वीपीएन प्रॉक्सी टोटली अनलिमिटेड बैंडविड्थ सुपर फास्ट एंड हाई वीपीएन स्पीड आप देख सकते हैं, और आप रिव्यू देख सकते हैं 725, और आप रेटिंग इसकी देख सकते हैं 3+ की रेटिंग भी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए करते हैं ओपन। तो सिंपली हम ओपन वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई एक्स वीपीएन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो सिंपली आपको थोड़ा देर वेट कर लेना होगा, इस पर टाइप करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कनेक्ट का ऑप्शन, इस पर टाइप करके वीपीएन को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप कनेक्शन टाइम भी आपको देखने को मिल जाता है ऊपर। और आप सर्वर देख सकते हैं, सिंपली सर्वर वाले ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से सर्वर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अलग अलग सर्वर देख सकते हैं, और आप किसी भी सर्वर को टाइप करके आप यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सर्वर को चेंज कर लिया है। आप यहाँ पर सिंगापुर सर्वर देख सकते हैं, चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्वर भी चेंज कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं सेट 3 लाइन का ऑप्शन, उस पर टाइप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट कंट्री देख सकते हैं, गेट प्रीमियम देख सकते हैं, हेल्प अस टू इम्प्रूव देख सकते हैं, मोर ऐप्स देख सकते हैं, रेटर देख सकते हैं, शेयर विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से FAQ देख सकते हैं, अबाउट देख सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, तो आप कुछ इसी तरह से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। तो सिंपली हम इस पर टाइप करेंगे तो आपको परमिशन मांगेगा, आपको ऑलवेज अलाउ कर देना होगा, तो आप ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कनेक्टिंग, हमारा जो वीपीएन है कनेक्टिंग हो रहा है। आपको थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेना होगा, तो आप देख सकते हैं कनेक्टेड है हमारा वीपीएन, यहाँ पर कनेक्ट भी हो चुका है। और आप देख सकते हैं डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन देख सकते हैं, कितना KB अपलोड हो रहा, कितना KB डाउनलोड हो रहा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर टाइप कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कैंसिल डिसकनेक्ट देख सकते हैं, तो आपको डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड है हमारा जो वीपीएन है, यहाँ पर डिसकनेक्ट हो चुका है। आप इस वीपीएन को वन टाइप में ही कनेक्ट कर सकते हैं, और आप वन टाइप में ही डिसकनेक्ट कर सकते हैं।